नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी की अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो संविधान को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया, सबको अलग अलग कार्य सौंपे गए, और इसमें हम लोगों ने सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी यानी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूपण समिति या मसौदा समिति के भी अन्य नामों से जाना जाता है, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके मेंबर्स कौन थे, और जो अध्यक्ष थे उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, और इनकी कुछ एक शॉर्ट ट्रिक भी समझे थे कि कैसे हम लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अन्य जो संसदीय अन्य जो संविधान की समितियाँ थी उनको हम लोग पढ़ेंगे, और उनके अध्यक्ष कौन थे इसको भी हम लोग जानेंगे। प्रारूप समिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इसलिए उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में समझा था। अन्य समितियों में केवल हम लोग उसके अध्यक्ष को देखेंगे। और इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास जो है बेसिकली पिछली क्लास का ही एक क्रम विकास है, और अगर आप उसे भी देख लेते हैं तो आपकी एक जो पॉलिटी की समझ है वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जो अन्य संविधान की समितियाँ थी उनको डिस्कस करने। तो इसमें सबसे पहली जो समिति आती है, देखिए, वो आती है संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, और दूसरी है संघ संविधान समिति। तो देखिए, संघ का मतलब केंद्र, आपको पता ही है, तो संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। और आपको पता है कि ये संघ में जो है, संघ में सबसे पहली जो सरकार बनी थी वो उसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू थे, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इससे हम लोग ये याद कर लेंगे कि जो केंद्र में सरकार जो बनी थी उसके जो पहले मुखिया थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने संघ शक्ति, संघ की सारी शक्तियां अपने हाथ में कर ली, संघ का जो संविधान है वो अंतिम रूप से जो है वो नेहरू के हाथ में आ गया। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि संघ की शक्ति और संघ का संविधान ये नेहरू के पास था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रांतीय अगर संविधान की बात करें, प्रांतीय संविधान, देखिए, अगर कुछ एक ऐसी रटने वाली चीजें रहती हैं, अब इसमें कोई क्या ही समझा देगा आपको, इसमें कॉन्सेप्ट आप या तो पूरा वो डिटेल में आप समझेंगे इसमें क्या होता था, कौन कौन इसके सदस्य थे, क्या थे, उतना हम लोगों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं काम करता है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स बनानी ही पड़ेंगी। अब अगर हम लोग अगले की बात करें प्रांतीय संविधान समिति की, तो प्रांतीय संविधान में देखिए, इसमें जो है आपको पता है कि जो हमारे लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको उन्होंने जो है विभिन्न रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भारत को जो राज्यों का एक संघ बनाया उसमें विभिन्न राज्यों को अपने अपनी शर्तों पर सहमत करने के लिए उनमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार पटेल की। तो इसलिए प्रांत के जो संविधान बनाने की समिति थी उसका अध्यक्ष जो है वो सरदार पटेल को ही बनाया गया, क्योंकि प्रांतों से उनकी अच्छी डीलिंग थी, ठीक है। तो प्रांतों का जो संविधान था वो सरदार पटेल उसके अध्यक्ष थे। अच्छा, एक बात और याद कर लीजिए कि जैसे प्रांतों का जो संविधान था उसके तो सरदार पटेल अध्यक्ष थे, मगर इसमें जो राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति होती है, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, इसके अध्यक्ष जो है वो नेहरू ही थे, क्योंकि देखिए नेहरू अंतिम रूप से प्रधानमंत्री थे, तो यानी कि उनके पास जो है ज़्यादा शक्तियां थी इनकी तुलना में, तो राज्यों से समझौता करने वाली समिति अगर पूछा जाए तो वो आप जो है कहेंगे नेहरू को इसमें, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि समझौता तो पटेल जी ने किया था, लेकिन देखिए ये संविधान तो सबका बता रहे थे पर अंतिम रूप से जो साइन होना था वो इनका होना था, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये केवल मैं याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्रांतीय संविधान समिति हो गई। उसके बाद देखिए, सरदार पटेल जब 1931 में कराची कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 में अधिवेशन हुआ था कराची में, पाकिस्तान में, वहाँ के अध्यक्ष बने थे सरदार पटेल, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, तो उन्होंने जो है उस समय पे एक प्रस्ताव पारित किया था मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव। तो इसको जो इनको जो है मूल अधिकार का थोड़ा मतलब अच्छे से नॉलेज थी, तो इसलिए इनको एक
और समिति का अध्यक्ष बनाया गया वो है मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, इसका इनको अध्यक्ष बनाया गया, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए वैसे तो ये अल्पसंख्यक समिति आपको लगेगा अरे सरदार पटेल को अल्पसंख्यक समिति कैसे, तो आप ये समझिए कि आजकल जो सरदार पटेल की एक इमेज मार्केट में जो बन गई है, कुछ एक पॉलिटिकल लीडर्स जो ऐसा कुछ बयानबाजी करते रहते हैं तो वो बन गई है कि जैसे एक बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नेता थे और ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप जो है अच्छे से राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े होंगे तो आप ये जानते होंगे कि सरदार पटेल में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था, और बल्कि वो गांधी जी के एक दृढ़ अनुयायी थे, मतलब एक कट्टर जो फॉलोअर होता है। बल्कि कई बार जो है हमने देखा है कि नेहरू जो है वो गांधी जी के कुछ डिसीजन से असहमत होते थे या उनके खिलाफ भी चले जाते थे, वो अपना विरोध व्यक्त करते थे, मगर सरदार पटेल कभी नहीं किए हैं। तो इसलिए सरदार पटेल को हिंदुत्ववादी बता देना, गांधी तो देखिए समन्वयवादी थे ही, हिंदू मुस्लिम में सभी को पता है, लेकिन सरदार पटेल को हिंदुत्ववादी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि नहीं वो, क्योंकि उनकी कुछ लोगों को विरासत चाहिए, तो उसमें कम से कम जो महापुरुष होते हैं उनकी छवि ना खराब की जाए, ऐसा मेरा एक मकसद है। ये आपको हम कोशिश करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाते समय ये सारी बातों को समझाएं कि कैसे जो है आजकल एक एजेंडा चल रहा है कि गांधी बनाम अंबेडकर, गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस, गांधी बनाम भगत सिंह, और मतलब लोगों को ताज्जुब होगा ये जान के कि जो राष्ट्रपिता नाम है वो दिया है सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है, या फिर भगत सिंह भी उनकी बहुत इज्जत करते थे, सरदार पटेल जो है वो इज्जत करते थे। तो ऐसा करके इन लोग में कभी आपसी ऐसे मतभेद छोटे मोटे मुद्दे पर होते होंगे, पर ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत सब लोग नफरत करते थे। इन सब बातों को हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझें, ताकि आपका एग्ज़ाम तो निकले ही, एग्ज़ाम तो आपका निकलेगा ही कॉन्सेप्ट समझने के बाद, लेकिन एक जो मन की जो आप लोगों को बरगला दिया जाता है किसी के भी द्वारा, वो सारी चीज़ें भी खत्म हो सकेंगी। वैसे तो आप लोग काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगी, लेकिन जो आजकल एक छोटी मोटी व्हाट्सएप का अपना जो यूनिवर्सिटी है उससे पढ़े हुए लोग आमतौर पे ऐसा डिस्कशन करते हैं। खैर अभी हम लोग उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, वापस आते हैं अपने मुद्दे पर कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जो थी, इसमें देखिए इसमें दो उप समितियाँ थी। अब मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बना दिया सरदार पटेल को, इसमें जो दो उप समितियाँ थी उसमें एक थी मूल अधिकार की उप समिति, मूल अधिकार, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े टॉपिक थे तो इसलिए उप समिति की ज़रूरत है। तो मूल अधिकार की जो उप समिति थी वो थी जेबी कृपलानी के पास। जेबी कृपलानी आपको पता है एक बड़े लीडर थे, तो जेबी कृपलानी के पास थी मूल अधिकार उप समिति की। प्रश्न पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज की पीसीएस की परीक्षा में। इसी प्रकार से दूसरी जो थी वो अल्पसंख्यक समिति थी। अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक उप समिति थी, ये थी हीरेन चंद मुखर्जी की अध्यक्षता में, ये थी हीरेन चंद मुखर्जी की अध्यक्षता में। अब ये हीरेन चंद मुखर्जी वही हैं जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। तो चलिए ये हो गया प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष और मूल अधिकार, और मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार पटेल। उसके बाद देखिए एक और महत्वपूर्ण नेता थे भाई, ये तो आपके उपाध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष कौन था? तो जो पहला स्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया था राजेंद्र प्रसाद जी को। तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, तो उनका काम क्या था कि मतलब जो भी संविधान सभा की जो प्रक्रिया हैं, जो भी नियम हैं, वो सब जो है मतलब वो बताएं। तो याद करने के लिए इसको मैं बता रहा हूँ, तो ये जो है प्रक्रिया और नियम समिति एक आती है, तो वो है आपके राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में। प्रक्रिया नियम समिति बोलते हैं इसको, ये एक ही समिति है, प्रक्रिया नियम समिति। तो ये जो है आप इससे याद कर सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे तो उन्हीं को सब प्रक्रिया नियम बताने का अधिकार था, इससे आप याद कर सकते हैं। तो प्रक्रिया नियम समिति हो गई, या फिर एक आता है संचालन समिति। तो संचालन समिति भी अगर पूछा जाए तो अब देखिए जाहिर सी बात है कि ये जो है जो आपके राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष थे, तो जो मेन संचालन है संविधान सभा का वो यही कर रहे होंगे, तो इसलिए यहां पर आ जाता है ये आप राजेंद्र प्रसाद याद कर सकते हैं।
इसमें एक चीज आप और देख लीजिए कि ये जो राजेंद्र प्रसाद था, रा से आपका राष्ट्र ध्वज बन जाता है। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति, ये थी आपकी तदर्थ समिति। तदर्थ का मतलब एडहॉक, एडहॉक का मतलब कि जो परमानेंट ना हो। तो ऐसी समिति टेम्पोररी कमेटी बनाई गई, क्योंकि राष्ट्रध्वज जो है वो टेम्पोररी काम था, तो इसलिए राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इसको याद करने के लिए आप रा से ये याद कर सकते हैं कि रा से राष्ट्रध्वज और रा से राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार से प्रक्रिया नियम और संचालन ये सब जो है राजेंद्र प्रसाद करेंगे। लेकिन एक यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर लोगों को, संचालन समिति वो तो थी राजेंद्र प्रसाद के पास, लेकिन एक और समिति है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति पूछा जा चुका है पेपर में, इसलिए आप लोगों को याद करना भी जरूरी है। कार्य संचालन समिति थी केएम मुंशी के पास में, केएम मुंशी। ये हम लोगों ने देखा था कि प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, तो केएम मुंशी के पास में कार्य संचालन समिति थी। इसको याद करने के लिए आप जो ऐसा एक बना सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, पर का से कार्य हो गया, ये आपका कार्य हो गया, ये के से हो गया कार्य, और एम से आप कर लीजिए मैनेजमेंट, और ये संचालन को इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये देखिए कार्य मैनेजमेंट समिति, इसको आप जब भी कार्य संचालन आए तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि कार्य मैनेजमेंट समिति ये जो है के एम मुंशी के पास में थी। आप इसको जो है याद करने के लिए ऐसी ट्रिक देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कार्य संचालन समिति हो गई, उसके बाद एक समिति और आती है सदन समिति। तो सदन समिति देखिए सा से सदन हो गया और सा से ही होता है सीतारमैया। सा से सदन, सा से सीतारमैया। तो ये सीतारमैया जो है पट्टा भी सीतारमैया, ये भी साउथ के एक बड़े नेता थे जो कि गांधी जी के आग्रह पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, और उसमें इनकी पराजय भी हुई थी, जिनको गांधी जी का समर्थन भी प्राप्त था। तो देखिए उसके बावजूद भी इनकी पराजय हुई थी, क्या प्रकरण था वो सारा हम लोग समझेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। फिलहाल देखिए कि सदन समिति जो है वो उसमें आपका सीतारमैया, सा से सदन और सा से सीतारमैया। तो ये सारी जो है महत्वपूर्ण समितियां हैं, और भी कई समितियां थी, परंतु सारी हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हम केवल उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार इधर उधर पूछी जा चुकी हैं उनको, ठीक है। तो ये सारी महत्वपूर्ण समितियां थी। उसके बाद देखिए कि समिति जो है गठित हुई, प्रारूप समिति ने प्रारूप बनाया, उसके बाद जो है, अच्छा एक चीज़ और देखिए कि जब प्रारूप बना, जो आपका संविधान बना, उसमें 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। कुछ एक फैक्ट्स जो है वो आप याद कर लीजिए कि इसमें 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। ये भी प्रश्न आता है कि कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, और इसमें जो है कितनी इसकी बैठकें हुई, तो 11 बैठकें हुई। बैठकों को कई बार अधिवेशन भी बोल दिया जाता है, तो 11 बैठकें हुई, अधिवेशन हुए। उसके अलावा प्रश्न आ जाता है कि इसमें जो है संविधान को जो मूल रूप से जो लिखा गया था, देखिए एक चीज ये कुछ बुक्स में ही आपको मिलेगा कि संविधान को जो मूल रूप से लिखा गया वो दरअसल टाइप माध्यम से नहीं लिखा गया था, वो हाथ से लिखा गया था, और हाथ से लिखे जाने के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जिसकी अच्छी हैंडराइटिंग होगी उसी से लिखाया जाएगा, हम लोग के जैसे तो किसी से लिखवाया नहीं जाएगा। तो उसमें लिखवाया गया था, एक थे प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, इधर चलिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हस्तलिखित संविधान प्रति, यानी संविधान की जो सबसे मूल प्रति थी, जो सबसे ओरिजिनल जो प्रति बनाई गई थी, जो पहली कॉपी बनी थी, वो जो है इन्होंने ही लिखी थी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नया प्रश्न है और
सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि एसएससी या अन्य परीक्षाओं में भी इसके पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, अगर आपको कभी संविधान मूल रूप से देखने का मौका मिले तो आप देखिएगा, इनकी बहुत अच्छी कर्सिव हैंडराइटिंग थी। तो इन्होंने ही जो है संविधान लिखा था पूरा, और इसमें जो चित्र बनाए गए थे, इसमें कई एक जो है पेजेस पे चित्र बने हुए हैं, जैसे कृष्ण जी का चित्र बना हुआ है, ऐसे करके कई सारे राम जी का चित्र बना है। तो चित्र जो बने हैं वो बने हैं नंदलाल बोस, इन्होंने संविधान को सजाने का कार्य किया, मतलब उसमें कई सारे चित्र वगैरह डाले। नंदलाल बोस के ऑब्वियसली इनकी टीम भी होगी, साथ में और भी कई सहयोगी होंगे, तो उन लोगों ने मिलकर इसको जो है साथ सज्जा का काम किया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये आपका हो गया। और संविधान से रिलेटेड एक और प्रश्न, फैक्चुअल प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसमें संविधान बनाने में कुल कितने रुपए व्यय हुए, तो ये देखिए हुए, जो टोटल व्यय हुआ वो हमारा हुआ 63,96,729 रुपये। तो ये हमारा टोटल व्यय हुआ, अगर आप इसको मोटा मोटा जो है कहें तो 64 लाख रुपए। तो कई बार सीधा प्रश्न यही आ जाता है कितना रुपए हुआ, तो लगभग 64 लाख आ जाता है ये, ठीक है। तो ये 63,96,000 मतलब कुल मिला के ये जो है 3,500 रुपये ही बस कम थे 64 लाख से। तो प्रश्न जो है 64 लाख भी उसमें ऑप्शन में रहता है। कुल कितने अधिवेशन या बैठकें हुई, तो 11 बैठकें हुई। एक प्रश्न इसके बाद देखिए, एक और जो फैक्चुअल प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये संविधान को बनाने में कितने वाचन में बनाई है, तो 3 वाचन जो है इसमें लगे थे, 3 वाचन में ये बनाया गया। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, मगर जब किताबों में देखिए, किताबों में जो है वो डेट के साथ में दिया हुआ है कि वो 3 वाचन जो है कब से कब तक हुआ, तो मैं भी आपको बता देता हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। 3 वाचन में जो है ये संपन्न हुआ। इसमें जो पहला वाचन था ये था आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, इसी प्रकार से ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, इसके बाद जो है ये हुआ आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 3 वाचन में जो है ये दरअसल संपन्न हुआ। अगर आप एक मोटा मोटा याद कर लें ऐसे भी कि ये लगभग जो पहला वाचन हुआ 5 डेज का, और दूसरा वाचन अराउंड 1 ईयर का हुआ, यानी 11 महीने के लगभग था वैसे, और ये जो है अगेन आपका 12 दिन का हुआ। तो एक बस आप ये भी याद कर सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा वाचन था वो था दूसरा वाचन, और सबसे जो छोटा था वो था पहला वाचन। तो इसमें आप इस तरह की चीज़ें, क्योंकि नॉर्मली डेट पूछना वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ये ध्यान दीजिए कि अंतिम जो वाचन संपन्न हुआ उसकी जो लास्ट डेट थी वो था 26 नवंबर 1949, और दरअसल यही वो तारीख है जब हमारे संविधान बनने का पूरा जो है वो समय खत्म हुआ, यानी ये अंतिम डेट थी जब हमारा संविधान बन के पूरा तैयार हो गया। तो वो डेट क्या थी, 26 नवंबर 1949। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में जो है वो आपका शुरू कब से हुआ था, 9 दिसंबर 1946 से, और ये जो है पूरा ये समय लगा हमारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि 2000 ये जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना जो है हमें संविधान को बनाने में हमें समय लगा। और इसको अगर आप ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 3 वर्ष में 12 दिन कम, 3 वर्ष में 12 दिन कम, लेकिन प्रश्न इस हिसाब से नहीं पूछेगा, तो इसलिए आप लोगों को ये तो निकालना पड़ेगा ही कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। उसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को जब ये हुआ, तो इस दिन बेसिकली हुआ क्या कि संविधान तो हमारा बन के तैयार हो गया। अब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें जो सर्व प्रमुख व्यक्ति थे जिनका संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान था वो थे आपके भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर।
कई लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब वो एकदम चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं कि अच्छा संविधान जो है वो किसने बनाया, तो बाबा साहब ने बनाया। ऐसा नहीं है, संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, परंतु संविधान जो बना वो एक बहुत बड़ी टीम के द्वारा बना, उसमें सभी का सामूहिक योगदान था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शख्स था वो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसी प्रकार जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है देश में आज़ादी किसने दिलाई, तो महात्मा गांधी ने दिलाई, तो महात्मा गांधी नहीं दिलाई, महात्मा गांधी सर्वप्रमुख नेता थे, उनके नेतृत्व में आज़ादी के आंदोलन किए गए जिसके फलस्वरूप हमें आज़ादी जो है वो मिली। तो इस तरीके से आप लोगों को, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप चीज़ों को समझते हैं, तो आपको पढ़ा लिखा होना दिखना भी ज़रूरी है, मतलब आपकी बातों से ऐसा झलके कि आप जो है वाकई में चीज़ों का एक गहरी समझ है आपको, क्योंकि ऐसे ये सभी बातें जो है नॉर्मली हर कोई करता है, पर आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे एक बौद्धिक स्तर दिखना चाहिए। चलिए, तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हुआ, तो उस दिन जो है बाबा साहब ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसको बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट। जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो इसी प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसमें जो है ये अंबेडकर जी द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया। आपको पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन जब ये संविधान बन के तैयार हो गया तो संविधान को पारित करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया उसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ट प्रस्ताव, और वो रखा गया था डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा, और इसी कारण से इनका देखिए सर्व प्रमुख योगदान था, इसीलिए इनको कहा जाता है कि भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान के पिता। तो भारतीय संविधान का पिता या जनक या फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। इनको एक और भी संज्ञा दी जाती है, वो है आधुनिक मनु की संज्ञा, आधुनिक मनु की संज्ञा। देखिए मनु जो है वो इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है क्योंकि मनुस्मृति, आपको पता होगा कि मनुस्मृति जो है वो प्राचीन काल में जो काफ़ी एक फेमस बुक थी मनुस्मृति, उसमें जो हिंदुओं के नीति विधान ये सब चीज़ें वहाँ उस समय जो कानून प्रचलित थे वो सब इसमें डिटेल से वर्णित किए गए थे। ये कई एक मानकों पर जो है वो मतलब आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं दिखती है, तो इसलिए इनका जो अंबेडकर जी काफ़ी विरोध करते थे। यूँ तो मनुस्मृति एक ऐसी जो है कृति है जिसका कुछ लोग उसको पूजा के भाव से करते हैं और कुछ लोग उसको जलाने के भाव से उसको जो है त्यागते हैं और कुछ लोग उसकी पूजा भी करते हैं, तो वो हमें उस विवाद में नहीं पड़ना है। वास्तव में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो अच्छी थीं और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बुरी भी थीं, तो यहाँ पर अम्बेडकर जो है अम्बेडकर बल्कि मनुस्मृति को वो जलाते भी हैं अपने जीवन काल में, वो उससे अच्छा खासा खफा थे। तो मनुस्मृति को इन्होंने एक नया मतलब जो है पूरे कानून गढ़े इंडिया के लिए, तो इसलिए इनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई। तो ये जो है अंबेडकर जी आधुनिक मनु भी कहे जाते हैं, तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो अंबेडकर जी हैं वो, ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छा अंबेडकर जी से ये जो डेट है 26 नवंबर और ये जो अंबेडकर जी हैं इन दोनों से मिलता जुलता, दरअसल अंबेडकर जी का जो 125वां जयंती थी अंबेडकर जी की, वो जो है पड़ी 2015 में। अंबेडकर जी की 125वीं जयंती वो पड़ी 2015 में, तो 2015 में हम लोग 26 नवंबर को, 2015 से हम लोग ने शुरुआत की कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो 26 नवंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। तो ये 2015 से लागू हुआ, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये तो हो गया आपका कि जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ, और इसी दिन जब ये प्रस्ताव पारित किया गया तो उसी हिसाब से संविधान के कुछ एक अनुच्छेद जो है वो तुरंत लागू कर दिए गए,
और उसमें जो है जो संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने की बात है वो भी इसी दिन को आती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि 26 नवंबर को क्या हुआ, तो 26 नवंबर को संविधान पारित हुआ, संविधान अंगीकृत हुआ, संविधान अधिनियमित हुआ, संविधान आत्मार्पित हुआ, प्रस्तावना जो है वो पारित कर दी गई और कुछ एक अनुच्छेद जो है वो तकरीबन 15 करीब अनुच्छेद जो है वो संविधान के इसी दिन पारित हो गए। तो ये सारी बातें 26 नवंबर 1949 को हुई, लेकिन संविधान लागू इस दिन नहीं हुआ। संविधान लागू हुआ उसके दो महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को। इसी वजह से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था, पहले तो इसको समझते हैं कि 26 नवंबर 1950 को जो संविधान लागू जो संविधान बना था उसमें दरअसल मूल रूप से इसमें जो है 395 अनुच्छेद थे, भाग कितने थे, तो देखिए 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ये देखिए मूल रूप से संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये जो है आपको जो आपका संविधान बन के तैयार हुआ उसमें ये था, लेकिन ये जब 26 नवंबर को तैयार हुआ तो फिर देखिए हम लोग 1930 में ये डिसीजन किए थे कि 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में हर वर्ष मनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर ये कसम खाई थी कि हम लोग जो है 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस के रूप में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और उसके बाद हर साल जो है 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, तो देखिए लिख भी लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में तो हम लोग देखेंगे ही, तब तक अगर पूछा जाए तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में ये जो है नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसाइड किया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे और इसके बाद प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर को तैयार हुआ, दो ही महीने बाकी थे 26 जनवरी में, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि दो महीने वेट कर लेते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इसलिए लागू किया गया ताकि एक हमारी जो पुरानी तिथि जो मेमोरेबल थी हमारे लिए वो भी एक जो है गणतंत्र दिवस के रूप में देश में हमेशा मनाई जा सके। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ और इसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे। रिपब्लिक या गणतंत्र दिवस। अब देखिए ये जो 26 नवंबर को आपको पता है कि अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित हुआ वो क्या उसका मतलब है, ये हम लोग प्रस्तावना में समझेंगे, प्रस्तावना वाले चैप्टर में, क्योंकि ये दरअसल प्रस्तावना का ही भाग है। प्रश्न ऐसा पूछ भी दिया जाता है कि अंगीकृत कब हुआ, अधिनियमित कब हुआ, ऑप्शन में 26 नवंबर भी रहेगा, 26 जनवरी भी रहेगा, तो इसलिए हम लोग इसको समझेंगे प्रस्तावना वाले चैप्टर में इसका क्या मतलब है। फिलहाल देखिए कि ये बन के तैयार हो गया लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में और 26 जनवरी 1950 से पहले जो है आपका 26 नवंबर और इन दो महीनों में क्या हुआ, तो देखिए इन दो महीनों में 24 जनवरी 1950 को यानी गणतंत्र दिवस के दो महीने पहले इस दिन हमारा राष्ट्रगान जो था उसको अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा जो हमारा राष्ट्रगान था उसको अपनाया गया। राष्ट्रगान कौन सा होना चाहिए इस पे संविधान में डिबेट भी हुई थी, तो जो फाइनली हमारा डिसाइड हुआ कि राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन वो होगा और जो सबसे पॉपुलर जो उस समय का गीत था वो था राष्ट्र जो वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, तो वो जो वंदे मातरम है उसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया।
तो राष्ट्रगीत है अपना वंदे मातरम, राष्ट्रगीत आपका हो गया वंदे मातरम, और राष्ट्रगान आपको पता ही है जनगण मन हो गया। और ये जो है सभी किस दिन अपनाया गया, तो 24 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। इसी दिन देखिए राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी घोषित चुन लिया गया, तो राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया गया, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बना दिए गए। ठीक है, तो ये सारा काम जो है 24 जनवरी 1950 में हुआ। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। उसके बाद 51-52 में हमारा चुनाव हुआ। 1951-52 में जो है वो संसद के चुनाव हुए, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा ये सब चुनाव संपन्न हुए, और उसके द्वारा 1952 में जो है हमारी संसद जो है वो अस्तित्व में आती है। जब संसद अस्तित्व में आएगी तो हमारा जो अंतरिम संसद के तौर पे जो हमारा ये संविधान सभा कार्य कर रही थी वो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो अंतरिम संसद जो है हमारी वो एग्जैक्टली अगर बात करें तो अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद समाप्त हो गई, इंटरिम पार्लियामेंट जो है वो समाप्त हो गई, डिसॉल्व हो गई, क्योंकि अब जो है वो हमारी संसद अस्तित्व में आनी थी, और अप्रैल से ही हमें संसद जो है वो देखने को मिलती है। 1951-52 में चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। तो देखिए ये सारी जो है बातें थी जो कि आज संविधान का निर्माण वाला जो चैप्टर हुआ वो आपका संपन्न हुआ। इसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर शुरू करेंगे वो प्रस्तावना को शुरू करेंगे, प्रस्तावना वाला चैप्टर, या फिर हम लोग भाग भी देख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए आपके लिए इतना ही, और मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।